मैम कितना उत्साह? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट हूँ. सबने बड़ी मेहनत की है और जो जो रिस्पॉन्स जनता का मिला है वो अमेजिंग है, और वही हमारे उत्साह को दुगना कर देता है कि हम लोग जीत की तरफ बढ़ रहे हैं. चुनाव प्रचार में जिन बातों को आप लोग लेके जनता के बीच में गए, क्या वो मन बना के जनता आ रही है? डेफिनेटली, क्योंकि मैंने देखिए सिर्फ बनारस की उन समस्याओं की ही बात की जो मैंने पिछले चुनाव में भी की थी, और आज 5 साल भी वो एड्रेस नहीं हुई प्रधानमंत्री के चुने यहाँ से, प्रधान सांसद के प्रधानमंत्री होने के बावजूद. तो मैं तो बहुत आश्वस्त हूँ कि बनारस का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी मेरी यही है कि मैं जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, हवा पानी स्वच्छ, आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, सीवर की व्यवस्था हो, यही मेरे मुद्दे हैं. और उन मुद्दों पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को ज़्यादा बड़ी चुनौती है कि वो इसको एड्रेस नहीं कर पाए 5 साल. गठबंधन का कुछ लाभ? ये डेफिनेटली कह तो नहीं हूँ कि ये गठबंधन आप जो कह रहे हैं ये जनता का गठबंधन है, और ये जो रिस्पांस पूरे यूपी में मिला है वो जनता ने दिया है ये हमें, और जनता ही देखिए अब अपने मत से आज ये फैसला करेगी और 23 मई को इसका रिजल्ट देगी. 1977 हम लोग दोहराने जा रहे हैं. कांग्रेस या बीजेपी कौन आपके लिए चुनौती है? कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस तो आज हताश और निराश है, सिर्फ अफवाहों पर चल रही है. आप देखिए रोज, जिस दिन से मेरा कैंडिडेटचर हुआ है उस दिन से रोज अफवाह ही फैलाई जा रही है. कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं चुनौती. बाकी चुनौतियां तो समस्याएं हैं जो जिनसे जिन पर आकर के भाजपा फेल हुई है, और आज वो जनता उसका जो है मैंडेट के थ्रू अपना रिजल्ट देने जा रही है.